अब 2 मिनट और खड़े रहे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने अपने इन्हें गोभी का पराठा खिलाया या मूली का। तभी मैं कहूँ ये बदबू कहाँ से आ रही है, मैं तो सोहनलाल को डांटने वाला था। ना ना, इनके किए की सजा आप किसी और को मत दो। वैसे भी इनका हकीम जी का इलाज चल रहा है और वो कह रहे कि 2 खुराक और लेंगे ना तो इनकी सारी तकलीफें मिट जाएगी, उसके बाद वो इनको भोपू नहीं कहेंगे। आप कहती हैं? ना ना, इनकी माई कहती है ना भोपू लल्ला। वैसे भैया एक और कमी है इनमें, इनको गुस्सा बहुत आता है, मुंह से बकबक नहीं पर पर पर। समझ रहे हो ना कहाँ से? यहाँ कुछ मत करना प्लीज, ये चाबी ले जाओ, हमारी अगरबत्ती धूपबत्ती सब खत्म है। हाँ जी, गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त तो कर रहे हैं तुम्हें, आप क्या था वो सर, क्या बकवास कर रही थी तुम? अरे वो आदमी मेरा पहचान पत्र मांग रहा था, कहाँ से देते? तो हम संभाल लेते ना, तुम क्या बकवास के जरिए वहां पर गंद फैला रही थी तुम? जी जी, बदबूदार बातें करते हो तुम। शड़प, अक्कल नहीं है तुम्हारे अंदर, किससे क्या बात करनी है तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, बस बोलते हुए चले जाती हो, देखना नहीं है किसके सामने बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, नहीं बात कहां से कहां जाती, बात फैल जाती, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। स्टूपिड कहेंगे। अरे भैया यहाँ है सब नहीं, अब तो कमरे की चाबी भी दे दी, अंदर जाके करो ये सब, बोला था ना पारिवारिक धर्मशाला है। जा रहे भैया, घर पे बात कर ले एक बार जरा फोन पे। लल्ला पहुंच गए ना तुम ठीक से? और तबीयत ठीक तो है तुम्हारी, दर्द फिर से तो नहीं उठा तुम्हारा? नहीं माँ, हम ठीक हैं। हम यहाँ ये तुलसीपुर गांव में पहुंच गए हैं, पुलिस को भी यही जानकारी मिली है कि वो किडनैपर यहीं इस गांव में आए हैं। ये वसूली करने वाले गांव में कब से रहने लगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के मन घबरा रहा है, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ। सुनो क्या बोल रहे हैं, अपनी लोकेशन भेजो, हम पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं भाई सुनो, आप टेंशन मत लो, अगर कोई जरूरत होगी तो हम बताएंगे ना, फोन करेंगे ना आपको। लल्ला दवाई दवाई ली तुमने? माँ अभी वो कुछ खा के हम दवाई लेंगे, अभी तो नहीं लिया, लेकिन हम चिंता मत कीजिए, दवाई है हमारे पास। हाँ रज्जो है तो तुम्हारी चिंता नहीं, लेकिन हमें है, उस लड़की के तुम्हारे साथ में होने से हमारी चिंता बढ़ रही है लल्ला जी, घबरा है हमारा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कोई नया बुरा होने वाला है। लल्ला हमारी बात गौर से सुनो, उस लड़की के हाथ का कुछ भी मत खाना, कहीं कुछ मिला मिला देगी खाने में। हाँ माँ, रज्जो के हाथ का लाया खाना नहीं खाएंगे। सही कह रही हो जीजी आप, अरे अकेली पा गई अर्जुन को, जाने क्या करेगी उसके साथ। सही में लल्ला, तुम बस होशियार रहना। हाँ एक खतरे से निपटने के लिए उससे बड़ा खतरा तुम अपने साथ ले गए हो। माँ रज्जो को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, हमने पुलिस वालों से बात कर ली, हम अर्जुन के पास जा रहे हैं। भाई भाई सुनिए ना, आप प्लीज मत आइए ना, इतना लंबा ड्राइव करके रात के टाइम आप कैसे आएंगे प्लीज। नहीं नहीं अर्जुन, हम सवेरे निकलेंगे, हमारी पुलिस वालों से बात हो गई है, वो आसपास के एरिया सर्च कर रहे हैं, हम उनके टच में हैं और कल सवेरे हम टीम लेके पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, हम दोनों यहाँ पहुंच गए धर्मशाला में और हम आपको एड्रेस भेजते हैं, तो माँ को बोलना चिंता ना करें। कमरा पता किया तुमने कहाँ पर है? हाँ? कमरा पता किया तुमने कहाँ पर है? सुनो चिराग, अर्जुन को फिर से फोन लगा, उसको बोलो कि 2 अलग अलग कमरे में उस रज्जो के साथ में एक कमरे में ना रहे। माँ रज्जो बीवी है उसके। बकवास मत करो चिराग, और ऐसी फालतू बातें ना ना अपने दिमाग में लाओ और ना हमारे लल्ला के, समझे? कोई नहीं लगती वो घंटी हमारे लल्ला की, कोई हक नहीं बनता उसे ऐसे ऐसे एक कम
तुम फोन लगाओ बस। हम कुछ नहीं लगा रहे, जो है सो है। साथ गए हैं, साथ रह रहे हैं और साथ ही उर्वशी को भी ढूंढेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम किस बात की चिंता करें, अपनी बेटी के लापता होने की या फिर इस रज्जो की। इसीलिए तो हम इस लड़के से कह रहे हैं कि उसे फोन लगा। नंबर नहीं लग रहा है, आउट ऑफ रीच बता रहा है। बता रहा है कि वो लोग हम सबके पांव से बाहर है और मां आपकी भी। हमें इस लड़की की टेंशन नहीं है, टेंशन है तो पैसों का इंतजाम करने की। किडनैपर से कल सुबह 9 बजे से पहले पैसे मांगे। अभी अभी मैंने एक हैवी अमाउंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। मुझे चित्रकूट जाना पड़ेगा, FD तोड़नी पड़ेगी और थोड़े कैश का भी इंतजाम करना होगा। लेकिन आज तो सैटरडे है और बैंक भी बंद होगा। अरे भाई साहब, आप पैसों की चिंता काहे करते हैं, हम हैं ना। अरे उर्वशी हमारी भी बेटी है। और नहीं तो क्या, वो किडनैपर जितना पैसा मांग रहे हैं ना उसे 1,00,000 रुपए ज्यादा देंगे। सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हम सब हैं ना भाई साहब। चाचा जी क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है हम एक भी पैसा ना दे और अर्जुन और रज्जो किडनैपर्स को भी पकड़वा दे और उर्वशी को भी सही सलामत लिया है। नहीं कर सकते हैं हम अपना काम। ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। हाँ तुम इधर सो जाओ, मैं जमीन पे सो जाऊंगी, मुझको आदत है। हाँ पता है पता है, अपना रोना बंद करो तुम। बड़ी मुश्किलों से दूर हुआ हमारा लल्ला उस लड़की से और अब वो दोनों ऐसे एक साथ हैं, वो भी अकेले। तो कहीं उनके बीच नहीं, नहीं हे भगवान ऐसा कुछ मत करना। हमारे लल्ला को उस लड़की से दूर रखना, उस रज्जो को हमारे लल्ला के करीब मत आने देना। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा ना जाने साथी रे। उठो, 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें हमसे लिपट के सो गई? बीच में से तकिया क्यों हटाया तुमने? मैंने नहीं हटाया। लिपट के तो सोई ना। आ तो पति हो तुम मेरे। पति? हम किसी के पतिवती नहीं है। किसी के नहीं, मेरे तो हो। शट अप, यही अंग्रेजी शब्द आती है तुमको, सट अप यही बोलते रहते हो। मुझको भी याद हो गई अब तो याद मत करो, उस पे अमल भी करो, बेफजूल की बातें मत करो, अपनी हद में रहना सीखो। तुम जैसे हर एक चीज का फायदा उठाती हो ना, तुम वैसे हर हालात का फायदा मत उठाया करो। पंडित जी ये उगाड़ी की तस्वीर है, प्लीज देखकर बताइए ना जरा। और इसमें आपके यहीं के मंदिर की चुन्नी भी बंधी हुई है। पंडित जी आप इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है प्लीज दीजिए। उन किडनैपर ने हमें सुबह 9 बजे तक का टाइम दे दिया है। पर अभी 8:15 हो गए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताइए प्लीज। इसीलिए बाबा दिमाग पे जोर डालो और सोचो। हाथ बाबू इसको जूम करके दिखाओ ना। देखिए पंडित जी, हाँ मैं इस गाड़ी को जानता हूँ, ये लोग हमारे गाँव में ही रहते हैं, ये मनोहर की गाड़ी है। मनोहर की गाड़ी? पंडित जी कहाँ रहते हैं, घर का एड्रेस कहाँ है बताइए ना प्लीज जल्दी। आप अंदर जाओ, बड़े पेड़ के पास नीले मकान का पहला दरवाजा उसी का है। थैंक यू, जल्दी जल्दी। अरे भगवान जाने भैया क्या होगा, स्ट्रेस में ना सुबह से 3 कटोरी हलवा खा चुके हैं, चौथी है। उधर उर्वशी नहीं मिल रही और इधर हमारा वजन बढ़ता जा रहा है।
आज तो इसमें गा गा के बताने वाली कौन सी बात है यार चिन्नेल, तुम एक काम करो खाना छोड़ो थोड़ा पानी पी लो शांति मिलेगी। हाँ रखो उधर। अच्छा भाई साहब, किडनैपर से सिर्फ 9 बजे तक का टाइम दिया था पैसे अरेंज करने के लिए, अगर 9 बजे तक पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा तो क्या हम उन लोगों को जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते? मेरा कहने का मतलब अगर कहीं थोड़ी सी भी देर हो गई अरे उर्वल जी को कहीं कुछ कर दिया तो। भाभी जी आप रोइए मत प्लीज, देखिए पैसे तैयार पड़े हैं और पुलिस ने खुद कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर पैसे हमने उनको दे भी दिए तो वो उर्वशी को छोड़ देंगे। कभी कभी पैसे देने के बाद खतरा और बढ़ जाता है भाई साहब। अब देखिए चिराग और अर्जुन गए हैं ना, अगर बात नहीं बनी तो हम फौरन पैसे ट्रांसफर कर देंगे। हम अर्जुन को फोन लगाते हैं। हेलो लला, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ हम ठीक है। हाँ बेटा अर्जुन बताओ पैसे ट्रांसफर कर दें? नहीं नहीं पापा पैसे ट्रांसफर मत करना, हमें उन लोगों के ठिकाने का पता चल गया है, पुलिस उस घर को घेरने जा रही है। लेकिन अर्जुन बेटा टाइम तो निकलता जा रहा है, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पहुँच रहे हैं ना बस। कुछ नहीं होगा, वो लोग पकड़े जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। अच्छा बाद में बात करते हैं आपसे, बाय। इंस्पेक्टर साहब आई था, अब तो ये लग रहा है यहाँ तो ताला लगा है। अरे आप लोग पीछे हटिए, हटिए पीछे। उर्वशी, उर्वशी लल्ला ने भी कह दिया सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए, है ना? एक अननोन नंबर से मैसेज आया। दिखाइए तो। वो हैक, इन लोगों ने कहा था ना कि पुलिस को कुछ मत बताना, तो हम लोगों ने उनको बीच में क्यों लाया? हम लोगों को नहीं पता इन लोग कितने खतरनाक हैं। उर्वशी बेटा, सर अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है किडनैपर्स यहाँ से जा चुके हैं। इसका मतलब वो लोग पहले से जानते थे हम यहाँ पहुंचने वाले हैं। छोटे शांत, इतनी जल्दी हार मत पालो, हम यहाँ तक पहुंच गए ना तो किडनैपर्स तक भी पहुंच जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। भाई उर्वशी की जान को खतरा है, कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग 9 बज गए हैं। उन लोगों को खबर कैसे मिली कि हम लोग यहाँ पहुंचने वाले, किसने बताया? आप लोग बाहर चलिए, चलिए बाहर, इस जगह की अच्छे से छानबीन करनी है हमें, चलिए। कालिंदी, शायद किडनैपर्स ने घर पे कॉल किया है। भाई स्पीकर पे डालने लगा। हाँ कालिंदी, उर्वशी की कोई खबर मिली? हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? संभालिए अपने आप। वो उर्वशी का एक और वीडियो भेजा था उन लोगों ने। वो किडनैपर बहुत नाराज लग रहे थे कि हमने पुलिस को बता दिया। उर्वशी भी बहुत डरी हुई थी। वो रो रही थी और फिर अचानक एक गोली की आवाज आई। भाभी, भाभी उर्वशी ठीक है ना? उर्वशी कुछ हुआ तो नहीं ना? हेलो, पता नहीं देवर जी, गोली के साथ साथ किसी की किडनी की भी आवाज आई थी, पर हम कुछ देख नहीं पाए क्योंकि अचानक से वीडियो एंड हो गया। हम लोग बहुत डरे हुए थे बच्ची, पता नहीं उर्वशी उर्वशी जिंदा है कि नहीं।
उसी नंबर से दोबारा मैसेज आया। एक और वीडियो आया है, हम स्पीकर पे रखते हैं। अरे अरे नया वीडियो देखते हैं ना, क्या पता उर्वशी ठीक हो, जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ना। हाँ 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 भाभी भाभी, जो नया वीडियो आया है ना उसको आप प्लीज जल्दी भेजिए। तुझसे जुड़ा क्यों मन वान जाने साथी रे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।